प्यार में कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी कपल को ब्रेकअप का दर्द सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ के साथ हुआ था। दरअसल हाल ही में हिमांश कोहली की मेहंदी सेरेमनी की कुछ इनसाइड तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई जो धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में हिमांश कोहली जमकर नाचते और अपने परिवार वालों के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले हिमांश कोहली नेहा कक्कड़ को भी डेट करते थे। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर उन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर उनके ब्रेकअप की वजह क्या है और अब हिमांश कोहली शादी कब करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। देखिए आपको बता दें कि साल 2014 में फिल्म यारिया के फेमस गाने आज ब्लू है पानी पानी को नेहा ने हनी सिंह के साथ गाया था। इस फिल्म में हिमांश कोहली लीड रोल में थे। इस गाने से ही नेहा और हिमांश के बीच दोस्ती शुरू हो गई थी। फिल्म के बाद दोनों के बीच बात मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। जब दोनों रिलेशन में आए तो मीडिया के सामने कभी अपने प्यार को नहीं छुपाया, जिसके लिए दोनों की काफी तारीफ भी की जाती थी। वैसे तो हिमांश और नेहा का प्यार सबके सामने खुल्लम खुल्ला था, लेकिन दोनों के रिश्ते को ऑफिशियली मुहर तब लगी जब एक्टर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 10 में नेहा कक्कड़ को सरप्राइज देने पहुंचे थे। इस शो में दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार किया था। वहीं फैंस दोनों की जहां शादी का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं 4 साल बाद इस कपल ने अलग होने का ऐलान किया था। हिमांश से पहले अलग होने के बाद नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था कि एक महिला खुश तभी रहती है जब उसे सही प्यार मिले। रिपोर्ट्स की माने तो हिमांश से ब्रेकअप पर नेहा कक्कड़ ने खुलकर अपनी बात रखी थी। नेहा ने कहा था कि मैं इस समय ये कह सकती हूँ कि सिंगल रहना मेरे जीवन का शानदार अनुभव है। जिस वक्त मैं रिलेशनशिप में थी, मैं कभी भी अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाती थी और यही वो रीजन था कि हिमांश और नेहा का ब्रेकअप हो गया। वैसे अब आपको बता दें कि हिमांश कोहली जल्द ही नवम्बर के महीने में शादी करने वाले हैं। ये तो अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है कि उनकी होने वाली दुल्हनिया आखिर कौन है। वैसे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और फिल्म में काम कर चुकी को-स्टार अबिगेल ही उनकी दुल्हनिया बन सकती है। वैसे आपको बता दें कि हिमांश कोहली शादी दिल्ली के एक मंदिर में करेंगे, जो एक अरेंज्ड कम लव मैरिज होगी। वैसे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमांश की होने वाली दुल्हनिया फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, वहीं ये शादी इंटीमेट सेरेमनी में होने वाली है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आखिर उन्होंने डिजाइनर के तौर पर किसे चुना है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।